नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र पांडे है और मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम चर्चा करेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में। इस लेक्चर को देखने और सुनने के बाद आप कंप्यूटर के विकास के क्रम में कंप्यूटर की प्रत्येक पीढ़ी में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी का वर्णन कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम्स का मूल्यांकन कर पाएंगे। कंप्यूटर के शुरुआती दौर में आज की तरह कंप्यूटर नहीं थे। शुरुआत में बहुत बड़े, भारी और महंगे कंप्यूटर हुआ करते थे। समय के हिसाब से कंप्यूटर में कई बदलाव हुए। इन बदलावों से कंप्यूटर की नई पीढ़ियों का जन्म होने लगा। हर पीढ़ी के बाद कंप्यूटर के आकार, प्रकार, कार्यप्रणाली एवं कार्यक्षमता में भी सुधार हुए। तब जाकर आज के समय का कंप्यूटर का निर्माण हुआ। कंप्यूटर के इसी कालचक्र को अलग अलग पीढ़ियों में बांटा गया है, जो इस प्रकार हैं। हम चर्चा की शुरुआत फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से करेंगे। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1940 से 1950 के बीच की मानी जाती है। इन शुरुआती कंप्यूटरों में विशाल वैक्यूम ट्यूब शामिल थे, जो कि लाइट के बल्ब के समान थे। इनका मुख्य उद्देश्य ट्रांसमिशन के लिए कमजोर संकेतों को मजबूत करना था। यह वैक्यूम ट्यूब स्विच के रूप में बिजली के त्वरित प्रवाह को शुरू और बंद करने का कार्य करते थे। स्विच की दो पोजीशन ऑन और ऑफ मशीन लैंग्वेज के जीरो और वन की अवधारणा पर आधारित थी। ऑन और ऑफ की कॉम्बिनेशन ने एक प्रकार की मशीन लैंग्वेज का निर्माण किया, जिसका इस्तेमाल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए किया जा सकता था। पहला कंप्यूटर, जिसका नाम मार्क वन था, इतना बड़ा था कि उसे रखने के लिए एक स्टेडियम के बराबर की जगह की आवश्यकता थी। कहा जाता है इसको बनाने के लिए 500 मील से अधिक तार का इस्तेमाल किया गया था। अपने समय के हिसाब से यह कंप्यूटर बहुत पावरफुल था और उस समय जिन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को नॉर्मली हल करने के लिए 40 घंटे लगते थे, मार्क वन उन्हें 20 सेकंड में हल कर देता था। इसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान US नेवी द्वारा स्ट्रेटेजिक मिलिट्री मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए किया गया। वैज्ञानिकों ने इस कंप्यूटर का इस्तेमाल मौसम के पैटर्न का अनुमान लगाने, हवाई जहाज के डिजाइन में समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए जैसे कार्यों के लिए किया। प्रथम पीढ़ी का अगला कंप्यूटर है ENIAC, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जो कि मार्क वन का एडवांस वर्जन है। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड मार्क वन से लगभग 1000 गुना ज्यादा थी। ENIAC लगभग 80 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा था और इसमें लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। दुर्भाग्यवश वैक्यूम ट्यूब बहुत गर्म होती थी और इनको ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशन रूम की आवश्यकता होती थी, जिसमें बहुत बिजली खर्च होती थी। इसके अलावा यह ट्यूब अक्सर खराब हो जाती थी, जिन्हें अक्सर बदलने की जरूरत पड़ती थी, अतः इनका उपयोग और अनुरक्षण बहुत महंगा था। ENIAC के बाद प्रथम पीढ़ी का अगला कंप्यूटर UNIVAC, अर्थात यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था, जिसमें लगभग 5000 कॉम्पैक्ट वैक्यूम ट्यूबों का इस्तेमाल किया गया, जो कि ENIAC, जिसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूबों का इस्तेमाल होता था, से काफ़ी कम थी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया जाता था। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी की शुरुआत 1950 से 1960 के बीच की मानी जाती है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर ने ले ली थी, जो कि वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले आकार में कई गुना छोटा होता है। इसके इस्तेमाल से कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया। इसके अलावा ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की तुलना में बहुत सस्ता था, गर्मी उत्सर्जित नहीं करता था तथा वैक्यूम ट्यूब की तुलना में खराब भी कम होता था। अंतरिक्ष यात्रा को संभव बनाने के लिए दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ। जहाँ प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था, जिसे प्रोग्राम करना बहुत कठिन होता था, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे फोर्ट्रॉन, एल्गोल और कोबोल का इस्तेमाल होता था, जो कि किसी नेचुरल लैंग्वेज की तरह थी तथा जो छोटे अंग्रेजी शब्दों जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई आदि का प्रयोग करती थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया, जिसके कारण प्रोग्राम को स्टोर और रिट्रीव करना संभव हो पाया। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की शुरुआत 1960 से 1970 के बीच की मानी जाती है। यहाँ आते आते ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC ने ले ली।
सिलिकॉन की एक चिप में लाखों छोटे ट्रांजिस्टरों को एकीकृत कर आईसी का निर्माण किया गया और इस प्रकार कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया तथा इन कंप्यूटरों की कैलकुलेशन स्पीड माइक्रोसेकंड से नैनोसेकंड तक आ गई। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर की कार्य क्षमता में कई गुना वृद्धि हुई तथा कीमत भी बहुत कम हो गई। इस पीढ़ी के दौरान नए इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का निर्माण किया गया था। कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस ने कंप्यूटर को अधिक यूजर फ्रेंडली बनाया। एक मेनफ्रेम कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के लिए पंच कार्ड के विशाल ढेर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर के आउटपुट को कंप्यूटर की विशाल स्क्रीन पर पढ़ा जा सकता था तथा जरूरत पड़ने पर कागज में प्रिंट भी किया जा सकता था। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की शुरुआत 1970 से 1980 के मध्य की मानी जाती है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में सिलिकॉन चिप का आकार घटकर एक पेंसिल इरेजर के आकार के बराबर हो गया, जबकि इसकी कार्य क्षमता में कई गुना इजाफा हुआ। माइक्रोप्रोसेसर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में आने लगे थे। इससे कंप्यूटर के आकार एवं दाम कम हो गया और कार्य क्षमता बढ़ गई। माइक्रोप्रोसेसर एक ऐसा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टरों को इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी के रूप में प्रयोग कर तैयार किया जाता है। इससे कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरह भी काम लिया जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कार से ही आगे चलकर माइक्रोप्रोसेसर के निर्माण का रास्ता खुला। माइक्रोप्रोसेसर के अस्तित्व में आने से पूर्व सीपीयू अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को जोड़कर बनाए जाते थे, जो कि साइज में बड़ा होता था तथा उसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी कम होती थी। इस जनरेशन के कंप्यूटरों में मैग्नेटिक डिस्क की जगह सेमीकंडक्टर मेमोरी ने ले ली। साथ ही उच्च गति वाले नेटवर्क का विकास हुआ, जिन्हें आप लैन और वैन के नाम से जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में यूजर्स का परिचय पहली बार MS-DOS से हुआ। साथ ही कुछ समय बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ भी कंप्यूटर में आने लगी, जिसकी वजह से मल्टीमीडिया का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इसी समय सी भाषा का भी विकास हुआ, जिससे प्रोग्रामिंग करना और आसान हुआ। इस पीढ़ी के दौरान चिप निर्माता कंपनी इंटेल द्वारा सिलिकॉन चिप तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। IBM के साथ साझेदारी में इंटेल ने पहले माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया। कुछ साल बाद एप्पल ने मोटोरोला के साथ मिलकर इंटेल की प्रतिस्पर्धा करने के लिए मैकिंटोश पेश किया। इस अवधि के दौरान नई एवं प्रोग्रामिंग करने की दृष्टि से सरल कंप्यूटर लैंग्वेजेस जैसे पास्कल, सी आदि विकसित हुई। इसके अतिरिक्त कंपाइलर का विकास हुआ, जिसकी मदद से प्रोग्राम को लोअर लेवल लैंग्वेज से रूपांतरित किया जा सकता था। इसी दौरान यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी विकसित किया गया। कंप्यूटर की पांचवीं पीढ़ी की शुरुआत 1980 के मध्य से 1990 के बीच की मानी जाती है। इस पीढ़ी का लक्ष्य उन उपकरणों को विकसित करना था जो मनुष्य से उसकी प्राकृतिक भाषा जैसे हिंदी, अंग्रेजी आदि में आदेश प्राप्त कर मनुष्य के समान अपने बुद्धि विवेक से कार्य संपादित कर सकें। इसके अतिरिक्त यह कंप्यूटर अपने आप सीखने एवं स्वयं का प्रबंधन करने में सक्षम है। इन कंप्यूटरों की विशेषता है कि एक कंप्यूटर में सैकड़ों प्रोसेसर एक साथ एक ही प्रोग्राम के विभिन्न ब्लॉक्स पर काम करने में सक्षम है। इसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है और इसका इस्तेमाल कंप्यूटर और यूजर के बीच यूजर की नेचुरल लैंग्वेज में कम्युनिकेशन के लिए होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI भाषाओं के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली कई प्रोग्रामिंग भाषाएं जैसे प्रोलॉग और लिस्प विकसित की गई। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्टिकल डिस्क जैसी चीज़ों का प्रयोग इस पीढ़ी में किया जाने लगा, जिससे कम से कम जगह में अधिक से अधिक डेटा स्टोर किया जाना संभव हो पाया। इंटरनेट, ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब का विकास भी इसी दौरान हुआ। कंप्यूटर की छठी पीढ़ी की शुरुआत 1990 के मध्य के बाद से मानी जाती है। इस युग में कंप्यूटर एवं वीडियो गेम्स की शुरुआत हुई, जो कि 1998 के आसपास बहुत लोकप्रिय हुए। निंटेंडो गेम क्यूब, सोनी प्लेस्टेशन 2 और माइक्रोसॉफ्ट के एक्सबॉक्स को सभी उम्र के खेल प्रेमियों द्वारा हाथों हाथ लिया गया। कंप्यूटर की विभिन्न जनरेशन में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी को इस डायग्राम के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है।
इस लेक्चर में हमने जाना कि कंप्यूटर के विकास के क्रम में इसके डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी में क्या क्या बदलाव आए। अगले लेक्चर में हम कंप्यूटर के विभिन्न प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।